ये उससे पहले भी देश के बहुत से प्रधानमंत्री को सम्मान मिला है, कोई नई बात नहीं। पंडित नेहरू जी को यह सम्मान मिला है, मनमोहन सिंह जी को मिला है। सरकार की तरफ से आरोपी को बचाने की कोशिश चल रही है। ये हिट एंड रन का मामला साधारण मामला नहीं है। ये लड़के का जो बाप है, जो शिवसेना शिंदे गुट का जो बोलता है कोई नेता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास अगर नहीं होगा तो हम दे देंगे। मुख्यमंत्री का खास आदमी कैसे बना, जिसका संबंध अंडरवर्ल्ड से सीधा है, निरपराध महिला को जिस तरह से कुचल दिया लोगों ने, नशे में बार बार कुचल दिया, सड़क पर फेंक कर वापस कुचल दिया, आप देखिए वीडियो। पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे देश के सबसे बड़े नागरिक के सम्मान क्यों ना, ये उससे पहले भी देश के बहुत से प्रधानमंत्री को सम्मान मिला है, कोई नई बात नहीं। पंडित नेहरू जी को यह सम्मान मिला है, मनमोहन सिंह जी को मिला है, इंदिरा जी को मिला है, ये तो एक प्रथा है, वहां एक परंपरा है, उस नई बात क्या है? हाँ, नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला है ना शांति का। पुतिन तो अपने देश के मालिक है, वहां कोई अपोजिशन नहीं है, हाँ संसद के मालिक है, देश के मालिक है, वो किसी को भी इस प्रकार से अवार्ड दे सकता है। सरकार की तरफ से आरोपी को बचाने की कोशिश चल रही है। ये हिट एंड रन का मामला साधारण मामला नहीं है। जैसे पुणे में हो गया पोर्शे कार का मामला, अग्रवाल फैमिली, वैसे ये मेहता फैमिली, ये जो बाप है इस लड़के का, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। ये लड़के का जो बाप है, जो शिवसेना शिंदे गुट का जो बोलता है कोई नेता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास अगर नहीं होगा तो हम दे देंगे। किसी अंडरवर्ल्ड गैंग से उनके संबंध है, क्या करता है, इतनी प्रॉपर्टी या इतनी भारी भारी गाड़ी कहां से आती है, उसका हिसाब मुंबई पुलिस को अब करना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री का खास आदमी कैसे बना, जिसका संबंध अंडरवर्ल्ड से सीधा है, आप देख लीजिए एक बार, बोरिवली पुलिस स्टेशन जाकर उसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए बोरिवली पुलिस स्टेशन में जाकर। ये तो मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर को आह्वान करता हूं, उनका रिकॉर्ड सामने लाइए। इतना शिंदे के साथ किस टाइप के लोग बैठे हैं ये आपको पता चलेगा। इसलिए ये जो लड़का है, जो ड्रग्स के नशे में था, और ये नशा जो है वो रिकॉर्ड नहीं, मेडिकल रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए, इसलिए तीन दिन तक उसको फरार किया था, छुपाया था, और बाद में उनको लाया गया है, अरेस्ट किया है। मुंबई पुलिस के ऊपर भी शंका संदेह की बात आ सकती है। उसमें एक निरपराध महिला को जिस तरह से कुचल दिया लोगों ने, नशे में बार बार कुचल दिया, सड़क पर फेंक कर वापस कुचल दिया, आप देखिए वीडियो, ये तो बहुत ही अमानुष प्रकार है। और ऐसी व्यक्ति कभी जेल से छूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई कोशिश करेगा उसको छोड़ने का, तो सड़क पर लोगों ने उसको जवाब पूछना चाहिए पुलिस को, और उनके जो आका है पॉलिटिक्स में, मंत्रालय में बैठे उनको भी। उनको बचाने की कोशिश पहले दिन से चल रही है, क्योंकि बेटे का जो बाप है वो इतना शिंदे वाली शिवसेना का नेता है, और बहुत ही रसूखदार आदमी है, पैसे वाला आदमी है। आप उनका पुलिस रिकॉर्ड जाकर चेक कर सकते हो, पैसा कहां से आता है और क्या है। तो ये बचाने की कोशिश, ये ठाणे जिले का है, तो आप पता चलिए किसके साथ उसके संबंध हो सकते हैं। पीड़ित हो या कई नेता है वो मांग कर रहे हैं इसी को सजाए मौत देने, बाकी की तरह आप किस तरीके का वाक्य, चाहे पुणे हो, चाहे मुंबई हो, चाहे नागपुर हो, इस प्रकार की वारदातें बढ़ रही है। मैं ये कहूंगा कि ये हत्या है, ये एक्सीडेंट नहीं, मैं बोल सकता हूं ये हत्या है। एक्सीडेंट होता है,
लेकिन इस प्रकार से जब नशे में धुत होकर कोई गाड़ी चलाता है और बार बार उस व्यक्ति को कुचल देता है, महिला को, तो यह हत्या होती है और यह हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी के ऊपर चढ़ाना चाहिए।